थाना क्षेत्र में अंतर्गत ग्राम नरसिंह ढाड़वा पनिका के बीच राम जानकी मार्ग पर बीते मंगलवार को अचानक बुलेरो गाड़ी का टायर फट जाने से सामने से आ रही मोटरसाइकिल पर सवार अपनिरीक्षक रमाशंकर यादव चौकी इंचार्ज गोरा थाना बरहज जनपद देवरिया व कांस्टेबल अजय सिंह थाना बरहज की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार उपनिरीक्षक व आरक्षी के सिर में गंभीर चोट आई है। वहां पर मौजूद लोगों द्वारा इसकी सूचना तत्काल मईल पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर तत्काल घायल उपनिरीक्षक व आरक्षी को इलाज हेतु जिला अस्पताल देवरिया पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उपनिरीक्षक रमाशंकर यादव की मौत हो गई है। बुलेरो चालक बुलेरो गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मतलब क्या हुआ था बताएंगे? बताइए। अरे फिर भी बाद में आप लोग आए थे तो यहाँ पे मतलब एसओ साहब बरहज के एसओ साहब थे। हाँ, दीवान जी। क्या हुआ था? क्या लेफ्ट से राइट से आ रहे थे तो उसमें इसका बोलेरो का डिसबैलेंस हो गया था। अच्छा अच्छा, बोलेरो से मतलब बोलेरो से मार दिए और धक्का मार दिया। इसने अपना संभालते संभालते तो ड्राइवर उसका उस बोलेरो की गाड़ी में तो बच गई और ये गाड़ी लेफ्ट से राइट में घूम गई और इस पर क्रैश कर गया। ये जगह का नाम बताइए। ये जगह तेलियाँ और नरसिंहगढ़ पनका के बीच में है। जी जी। और मतलब दोनों लोगों का डेथ हो गया। डेथ हो गया। ओहो, पे जगह जगह पे ही जान हो गई और बाकी ये बोलेरो का ड्राइवर बच गया। इसमें इतने आदमी जो थे वो ड्राइवर भी फरार हो गए। जी जी। इसमें भी आदमी जो शेष बचे वो चले गए। और पिस्टन भी पानी में गिरा है। पिस्टन भी हमारे एसओ सर का पानी में गिरा है बरात के एसओ से। अच्छा अच्छा, पिस्टल भी मतलब लोगों का हो गया। इसका भी जांच मशीन चल रही है, पानी में भी आया अंदर पानी को निकाला जाएगा। रोड के पटरी के राम जानकी रोड। ये रात का मतलब ये घटना रात में हुआ था या मतलब सुबह में ही हुआ है? ये घटना कितने बजे हुआ है? एक घंटे के पहले हुआ है। ये देवरिया जनपद में थाना मईल क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम रमाशंकर जी है और एक हेड कांस्टेबल अजय सिंह, वो जो बरहज थाने में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना के सिलसिले में अपने वाहन से जा रहे थे, तभी अनियंत्रित बोलेरो से टकरा जाने से एक सड़क दुर्घटना हुई। तुरंत दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और जो हेड कांस्टेबल हैं उनका अभी इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है।